Vinod Roy, Secretary Government of Tripura, to gift a memento to Sri Vineet Kumar, CEO, KVIC. Thank you so much, sir. Light is a symbol of happiness and prosperity. As light expels the darkness of might, similarly, blessings bring in our life prosperity. Now, I would request our inaugurator, Honorable Union Minister Sri Sarvananda Sonwalji, and our chief guest, Honorable Chief Minister Professor Dr. Manik Shahji, to kindle the lamp and officially inaugurate this program. I will also request our dignitaries on the dais to accompany our inaugurator and chief guest for kindling the lamp. Shubham karoti kalyanam arogyam dhanasampada shatru buddhi vinashaya deepakaya namastuti deepo jyoti param brahma deepo jyoti janardhanah deepo haratu me papam sandhya deepam namastuti. Arthat, jo shubh karta hai, kalyan karta hai, arogya rakhta hai, धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप की रोशनी को हम नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। थैंक यू सो मच ऑनरेबल डिग्निटरीज। As our auspicious inauguration program is officially inaugurated, now I would request Honorable Union Minister Sri Sarvananda Sonwal sir and Honorable Chief Minister Tripura Professor Dr. Manik Shah sir to inaugurate the School of Logistics, Communication and Waterways by pressing the remote button. Thank you so much, sir. Now, a short video on School of Logistics, Communication and Waterways will be played on the screen. संचार व्यवस्था के विकास के लिए त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर आज ऐतिहासिक अवसर के मोड़ पर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद दीर्घकालीन उपेक्षा पूर्वोत्तर की संचार व्यवस्था में अभूतपूर्व गति हुई। भूपेन हजारिका सेतु से शुरू होकर अगरतला एमबीबी हवाई अड्डा इस क्षेत्र के बहुमुखी संचार व्यवस्था का एक माइल फलक है। इसके साथ ही राज्य के परिवहन मानचित्र में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन एंड वाटरवेज को जोड़ा जा रहा है। राज्य में धर्मनगर से अगरतला सहित साबरूम तक रेल पथ का विस्तार, 15 ट्रेनों के माध्यम से देश में विभिन्न राज्यों के साथ कनेक्टिविटी, राष्ट्रीय सड़कों का विस्तार, मिजोरम के साथ सड़क संचार व्यवस्था, अगरतला ढाका कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय बस परिसेवाएं चालू, नए राष्ट्रीय सड़क निर्माण, प्रतिदिन 24 विमान यातायात ने राज्य की संचार व्यवस्था के समग्र मानचित्र को बदल दिया है। अगरतला अखौरा रेल कनेक्शन एवं अगरतला चिटगांव अंतर्राष्ट्रीय विमान परिसेवाएं चालू होने जा रहे हैं। स्वतंत्रता के पहले जल पथ ही राज्य की संचार एवं परिवहन की प्रधान माध्यम थी। स्वतंत्रता के बाद के भारत और विभाजन के बाद की अवधि में विभिन्न प्रतिकूलताओं के कारण राज्य के जलपथ में काफी गिरावट हुई, लेकिन समय बदल गया है। जलपथ में परिवहन की लागत कम होने के कारण वर्तमान काल में पड़ोसी बांग्लादेश के बीच से जलपथ में संचार व्यवस्था चालू होने की संभावनाएं
और अवसर सृजित हो रहे हैं। इसी के साथ बांग्लादेश के बीच से भारत के अन्य राज्यों एवं दक्षिण पूर्व एशिया के पड़ोसी के साथ जल पथ में संचार और परिवहन व्यवस्थाओं को सुगम करने के लिए केंद्रीय बंदरगाह, जहाज एवं जल पथ संचार मंत्रालय राज्य के गोमती नदी को बांग्लादेश के मेघना नदी के साथ जोड़ने की पहल की गई है। सोनामुरा दौड़कंडी प्रोटोकॉल मार्ग को उदयपुर 40 किलोमीटर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव जल परिवहन विभाग की विवेचना में है। आगे चल के यह जल मार्ग भारत के सोनामुरा बंदरगाह से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह होकर कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह तक संयोग स्थापित करेगी। 5 मई 2020 को सोनामुरा दाऊदकंडी जल मार्ग को अंतरराष्ट्रीय जल संचार प्रोटोकॉल मार्ग घोषित किया गया। इस प्रोटोकॉल रूट को राष्ट्रीय जल मार्ग 1 गंगा नदी, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी, राष्ट्रीय जल मार्ग 16 बराक नदी और म्यांमार के कलादन नदी से जोड़ा जाएगा। इससे त्रिपुरा भारत के अन्य राज्यों और दक्षिण पूर्व एशिया के पड़ोसी राज्यों के साथ जल मार्ग से जुड़ जाएगी। साथ ही अगरतला में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन एंड वाटरवेज प्रतिष्ठान स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। अरुंधति नगर के सिपार्ड में केंद्रीय 5,25,00,000 रुपए के खर्च से इस प्रतिष्ठान का निर्माण होगा। त्रिपुरा के लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन एंड वाटरवेज सेक्टर का विकास और कौशल बढ़ाने में अध्ययन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, विभिन्न श्रेणियों के स्टेक होल्डर्स के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कर्मशालाओं को आयोजित करना इस प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य है। राज्य की अर्थनीतिक समृद्धि, विभिन्न उत्पाद सामग्री के आयात निर्यात में वृद्धि, व्यापार का विस्तार, पर्यटनों का प्रसार, विभिन्न सेक्टर के भागीदारों का कौशल वृद्धि, विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान और अनुसंधान केंद्रों के बीच राय और विचार विनिमय, नई नीति प्रणयन संबंधी विषयों में परामर्श और प्रस्ताव ग्रहण करना इस प्रतिष्ठान की गतिविधियों में से एक है। बहुमुखी संचार व्यवस्था के विकास से ही राज्य का विकास संभव है। इसी लक्ष्य के साथ त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है। Thank you so much. This was a short but very descriptive short video on School of Logistics, Communication and Waterways. Now, I request Sri UK Chakma, Honorable Secretary Government of Tripura, to deliver the welcome address. Good afternoon to all present here. সবাইকে নমস্কার, যত্ন খলুঙ্কা। টুডে উই আর হিয়ার টু ইনোগ্রেট দি স্কুল অফ লজিস্টিক্স, কমিউনিকেশন অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ লোকেটেড অ্যাট স্টেট ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, অরুন্ধতিনগর, আগরতলা, ভার্চুয়ালি ফ্রম দিস প্রজ্ঞা ভবন হল নম্বর 2। অন দিস অস্পিশাস ওকেশন ইট ইস মাই প্রাউড প্লেজার টু ওয়েলকাম শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল স্যার, অনারেবল মিনিস্টার অফ পোর্টস, শিপিং অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অ্যান্ড আয়ুষ, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, হু ইজ কাইন্ড এনাফ টু স্পেয়ার হিজ ভ্যালুয়েবল টাইম টু বি হিয়ার উইথ আস অন দিস অস্পিশাস ওকেশন অ্যান্ড অ্যাপ্রুভ অ্যান্ড অলসো স্যাংশনড ₹5.25 crore ফর সেটিং আপ দি স্কুল অফ লজিস্টিক, কমিউনিকেশন অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অ্যাট আগরতলা। আই অলসো ওয়েলকাম ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা স্যার, Honorable Chief Minister of Tripura, for his kind presence despite his tight and busy schedule. Heartfelt welcome to Dr. Sanjeev Ranjan Sir, Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, and Sri J.K. Sinha Sir, Chief Secretary, Tripura, under whose support and guidance this program is being organized. I also welcome Sri Vineet Kumar, CEO, KBICT, Mumbai, শ্রী অপূর্ব রায়, ডিরেক্টর সিপার্ট, সিনিয়র অফিসার্স ফ্রম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দি স্টেট গভর্নমেন্ট, অফিসার্স অ্যান্ড স্টাফ অফ ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট, সিপার্ট, ডিস্টিংগুইশ গেস্ট, স্কলার্স ফ্রম ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, ইকফাই, এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড দি মিডিয়া পার্সনস প্রেজেন্ট হিয়ার অন দিস
Keshan, I am happy to inform you that with the announcement of Sonamura Dautkandi River as International Waterways Protocol Route on 5th May of 2020, waterways is going to be a major medium of communication in future. The initiative taken by Ministry of Ports, Shipping and Waterways to connect River Gomti of Tripura with River Meghna of Bangladesh to smoothen communication and transportation via waterways is an important milestone not only for the state of Tripura but also for the Southeast Asian countries. This survey on creating national and international water connectivity route using River Feni, River Muhuri, River Khwai and River Monu of Tripura has been completed, and with this we are going to achieve speedy development in waterways along with the road connectivity. The School of Logistics will conduct research studies, training, workshop and seminar for stakeholders like businessmen, exporters and importers, member of Chamber of Commerce and Industries, local entrepreneurs, tourist operators, medical practitioners and caring contractors, etc. But not the least, I once again extend my warmest welcome and gratitude to dignitaries present here on the dais and the scholar of different universities and other participants. Thank you very much. Jai Hind. Thank you so much, Sir Sri UK Chakma, Secretary Government of Tripura, to officially welcoming everyone with your warm welcoming words. Now, I request the key speaker of the School of Logistic Communication and Waterways, Sri Vineet Kumar, CEO KVIC, sir, to address the gatherings with your valuable words. Professor Dr. Manik Sarkar, Honorable Chief Minister of Tripura, Honorable Sri Sarvanand Sonowal ji, Union Minister for Port Shipping and Waterway and Ayush, Dr. Sanjeev Ranjan, Secretary, Ministry of Port Shipping and Waterways, Sri J.K. Sinha, Chief Secretary Tripura, Sri Chakma, Secretary, Government of Tripura, and Sri Roy, Director Sippard, dignitaries on the dais and dignitaries in the dais, a very good afternoon to all of you. At the outset, let me thank Government of Tripura for inviting me on this occasion of inauguration of the School of Logistics, Waterways and Communication. It is a very welcome step and very well required. Northeastern India is endowed with lot of resources and lot of naturally available material which can be exported or sent to all across the country as well as through the world, which have great value. However, there is a challenge of logistics. As we are all aware, that the logistics cost in India is around 15-16% of the total cost, which is very high, and there is a scope to reduce it to 5-6% to bring it at par with the other countries. When we come to Northeast, this becomes still higher because of the various constraints. As in the video it was running that prior to independence, there was free movement of goods and cargo across Bangladesh and the connectivity was very good. But after partition, the waterways specifically got disturbed, and also the connectivity got disturbed, because of which the cost of logistics has gone high. And there is urgent need to reduce the cost of logistics to make our products competitive in the international market. With that thought in mind, the School of Logistics, Communication and Waterways is a milestone, I would say, in
this direction. As you are all aware that waterways is the cheapest mode of transportation. Roadways comes first, then railways, and then waterways. Now, when we are, if something has to come from Tripura, let's say Calcutta, if it has to come by road or by rail, it has to come all the way through Chicken Neck and then come to this, come to Agartala. The costs involved are high, the time is high, time taken is more, which makes the commodities costlier. Government of India, in a very thoughtful manner, in 2015 signed a protocol with Bangladesh, wherein the Bangladesh rivers and waters can be utilized for movement of our cargo through their waterways and their territories. Taking a cue from that, in 2019, an SOP was signed that the goods from Calcutta port or other ports, Haldia port, can come to Chattogram and Mungla port, and from there it can come to Agartala. The distance of Chattogram port to Agartala is hardly 150 kilometers. There is Ashuganj also, which is only 50 kilometers. It's only that we need a transit permission from Bangladesh to move our goods through this. We moved on this front, and then very successfully the first trials were conducted in July 2020. Four containers containing steel and pulses were booked from Calcutta port. They were taken to Chattogram port, which is hardly a two and a half days travel time, and then thereafter it came into Agartala by a road, which took another day. So between 4 to 5 days the entire movement was done, and also it was found to be cheaper. And more than that, I would say the consignment was sent by Tata Steel. They were very happy that the condition of cargo was very good, because when you move in the road, lot of wear and tear takes place, and when you come by waterways, that is very less. And also waterways is a sustainable method of transportation. So they were very, very happy with that we are moving our goods through a sustainable mode of transportation, where the carbon footprints are low. With all those things, the first trial was done. And I must tell you that the cargo shipment from Calcutta port to Bangladesh every year is around 3 to 4 million tons. When we say 4 million tons, is around 40 lakh tons of cargo is coming via waterways. So it comes up to Narayanganj, it comes up to Dhaka. Now from there, the distance to northeast is very, very less. So we almost cover 2/3 of the distance, and it is a very running, booming business. It works very well. Taking a cue from that, and under the guidance of our Honorable Minister and Secretary Sir, we did a trial last year, and we moved 1800 tons of steel from Haldia port to Pandu port in Guwahati. So that was another milestone which was done, that this regular movement can be done. And on the way back, we took coal from there. Today I saw that Sonamura Donkhadi has also been added. So there is huge potential to convert that also into a working waterway, where by which goods can be transported at a very minimal cost and in very good time. After that, due to COVID, it took us a little bit of time to move forward. However, again, March 22, it was decided that this should be done regularly, and a standard protocol should be implemented. And four more trials were to be done from Mungla as well as Chattogram port to Dauki, Sutarkandi and Srimantpur. So if you see the map, the three states which are on the southern side is Meghalaya, Tripura and Lower Assam. So to connect them by to Calcutta and other ports via Mungla and Chattogram port, that was the idea. And we moved various containers, that is steel, we moved pulses, we moved many other material, and to all these places, to Dauki, to Sutarkandi and to Srimantpur, and from Srimantpur it came to Agartala. And these all trials were also very successful, found to be very good and very, very viable. So
while coming, what we find that steel is something required. A lot of infrastructure work is going here. Rice is coming into Agartala. Grain is coming into Agartala. And while going back, we can take tea, we can take bamboo products, we can take rubber products. So all these products are available, and the famous pineapple of Tripura can also be exported through this medium, through refrigerated containers. So there are immense possibilities, and the entire setup is already ready by after these trials to take the advantage of this route and transport this material successfully at a cheaper cost to the benefit of the trade and commerce in Tripura. Yesterday I have visited a Sphurti cluster where a lot of bamboo work is being done, and the promoters were saying that their product has a lot of demand for exports, but they are not aware as to how the export is to be done and what are the procedures to be followed for export. So I think that the School of Logistics and which is coming up will do activity in this direction to do capacity building. We as KVIC will definitely try to support this movement of export of bamboo products from here via Calcutta or other ports. While this protocol is coming, there are certain areas where we need to look into. One is the last mile connectivity, that the roads from various checkpoints like Akhaura and from Shrimantpur need to be upgraded to be made suitable for heavy loads, because all these containers etc. come with 20 ton loads, so roads have to be capable of doing that. So that also be taken care of. The ICPs which are there, they need to be strengthened, where we need to put all machines and warehousing space at all these ICPs, so that if the goods are coming, they can be kept there. The best course would be the direct entry of trucks into Agartala. When we did our trial, the trucks, Bangladeshi trucks, were allowed to come into Agartala, and they came directly and delivered the materials here into Agartala. So all these things, if done, and which are in advanced stage of you know, all these activities, I am aware that this is happening, and the central government as well as state government under the Gati Shakti Master Plan and National Logistic Policy is taking up these projects, and I am very hopeful that with the implementation of these measures and use of waterways, there will be reduction in the cost of transportation, and which will make the products of this area competitive in the other parts of country as well as in the international market, and bring benefit to this state. I once again thank the government of Tripura and Ministry of Shipping for inviting me to this function. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Shri Vineet Kumar, CEO of KVIC, sir, for sharing a brief outlook of School of Logistics, Communication and Waterways and its perspective. Once again, thank you so much, sir. Now, I would request Sri J.K. Sinha, Chief Secretary, Government of Tripura, to share his valuable words with us. Namaskar. मंच पर उपस्थित श्रद्धेय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिकसा महोदय, श्रद्धेय माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल महोदय, रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग डॉक्टर संजीव रंजन महोदय, केवीआईसी के माननीय सीईओ श्री विनीत कुमार जी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा यूके चकमा जी, डायरेक्टर सिपार्ड माननीय अपूर्व राय महोदय, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री त्रिपुरा के माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्य वृंद, विभिन्न विश्वविद्यालयों कॉलेजों से आए हुए शिक्षकगण और विभिन्न यूनिवर्सिटी से आए हुए बिजनेस मैनेजमेंट के छात्रगण, भाइयों एवं बहनों, आज सचमुच ही हर्ष का विषय है कि हम लोग इस सभागार में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स,
कम्युनिकेशंस एंड वाटरवेज के उद्घाटन अवसर पर एकत्रित हुए। हमें वह दिन याद है जब मैं मुख्य सचिव बनने के बाद संजीव रंजन सर के यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में मैं मिलने गया था। तब मैंने मार्गदर्शन के लिए कुछ बोला तो उन्होंने कहा कि तुम्हें दो ही काम करने हैं कि त्रिपुरा में बहुत सारी संभावनाएं हैं और इस संभावनाओं को यदि जमीन पर उतारना है तो जो गति शक्ति परियोजना है उसको अच्छे से करो और त्रिपुरा में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हम लोग एक स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स बनाने के लिए सहायता करेंगे, उसको जरूर खोलो। और उसी को ध्यान में रख करके मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि उनके बताए हुए जो शब्द थे हम लोगों ने कार्यान्वित करने का प्रयास किया है। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है त्रिपुरा में अच्छी तरह चल रहा है। जितने भी लेयर्स थे उनको मैपिंग कर दिया गया है और पूरे पूर्वोत्तर में त्रिपुरा पहले स्थान पर है जहां तक गति शक्ति प्रोजेक्ट का सवाल है। उसी तरीके से आज आपके समक्ष श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में श्रद्धेय यूनियन मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के कर कमलों से स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स कम्युनिकेशंस एंड वाटरवेज का उद्घाटन हो रहा है। और जैसा कि आपने लघु चित्र में भी देखा होगा कि हम अभी सिर्फ उद्घाटन ही नहीं कर रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि सिपार्ड में बाकायदा सेंटर खुल गया है। वहां के लिए स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स कम्युनिकेशंस एंड वाटरवेज के हेड के रूप में एक व्यक्ति महानुभाव की नियुक्ति भी कर ली गई है और उनके सहयोगी के रूप में तीन और लोगों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। और इसकी आने वाले वर्ष में क्या रूपरेखा होगी, इससे संबंधित क्या कार्यक्रम होंगे, उसकी रूपरेखा भी हम लोगों ने तैयार कर ली है। और जैसा कि आपने फिल्म में भी देखा, आपने जो केवीआईसी के जो सीईओ साहब हैं विनीत कुमार साहब को भी सुना कि इसकी क्यों आवश्यकता है और क्या क्या हो रहा है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। और मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि त्रिपुरा में प्रत्येक क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। अभी लॉजिस्टिक्स की बात चल रही है, अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि NHIDCL जो भारत सरकार की संस्था है 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट किसी न किसी रूप में विभिन्न जगहों पर चल रहा है। इसमें 6 नेशनल हाईवेज भी सम्मिलित है, बहुत सारे पुल भी हैं। उसी तरीके से PWD द्वारा किए गए कार्य की बात है तो उसके भी करीब 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कार्य चल रहे हैं। यदि ग्रामीण विकास विभाग की बात करें तो उसके भी करीब 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम चल रहे हैं। इसी तरीके से जो लोग बाहर से महानुभाव आए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोगों का जो एयरपोर्ट है वो किसी भी एयरपोर्ट से कम नहीं है। और कुछ ही दिनों में हमारा जो एयरपोर्ट है इससे चित्तागोंग के लिए फ्लाइट चालू होने वाला है। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की अपार कृपा रही कि उन्होंने वायबिलिटी गैप फंडिंग जो राज्य सरकार पूरा वहन करेगी उसके लिए उन्होंने मंत्रिमंडल से स्वीकृति दी और जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उन लोगों ने तुरंत ही उसका टेंडर निकाल करके जो अगरतला से चित्तागोंग फ्लाइट चलने वाला है कुछ ही समय में चालू हो जाएगा। इसी तरीके से अभी आपने पूरा वाटरवेज के बारे में सुना कि कैसे क्या रूपरेखा होगी, लेकिन जब हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो इससे संबंधित जो डिस्कशन होना है, जो इस पर रिसर्च होना है, इस पर कार्यशाला होनी है, जो मंथन होना है वो कैसे हो, तो इसके लिए
हमें कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता था, कभी कोलकाता जाना पड़ता था, कभी दिल्ली के किसी इंस्टीट्यूट को हायर करना पड़ता था, कभी गुवाहाटी जाना पड़ता था। यह बहुत ही खुशी की बात है कि अब इस स्कूल के माध्यम से, स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स कम्युनिकेशन एंड वाटरवेज के माध्यम से, हम लोग ये जो रिसर्च का कार्यक्रम है, कार्यशाला का कार्यक्रम है, लोगों से परिचर्चा का कार्यक्रम है, हम लोग यहीं पर कर पाएंगे। मैं सिपार्ड के डायरेक्टर साहब का एवं अन्य फैकल्टी मेंबर्स का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत ही कम समय में इसको जमीनी स्तर पर उतार के दिखाया और इसके लिए जो एक पूरा फ्लोर इन्होंने दिया है। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमको मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से सहायता मिली है वो तो मिली ही है, इसके अलावा भी यदि जरूरत पड़ी तो स्टेट गवर्नमेंट से भी जो भी आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ेगी हम लोग देंगे और इसको इतना स्ट्रेंथन करेंगे कि आने वाले दिनों में जो हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए, इसकी रूपरेखा, इसकी परिचर्चा यही निर्धारित हो, इसी स्कूल में निर्धारित हो। और आने वाले समय में यह जो स्कूल है वो पूरे पूर्वोत्तर के लिए, या मैं यूं कहूं कि पूरे कम से कम पूर्वी भारत के लिए एक रिसर्च का सेंटर बने, यहां पर लोग आएं और यहां से कुछ सीख कर जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं इसका हमें आने वाले दिनों में, आने वाली पीढ़ी के लिए, खास करके जो यहां बच्चे बैठे हुए हैं बिजनेस मैनेजमेंट के बच्चे, वो इसका लाभ उठाएंगे। इसके बारे में जो आपका जो रिसर्च पेपर वगैरह होता है आपके कोर्सेज में, इस पर भी रिसर्च करेंगे, जो भी फिल्म में दिखाया गया या विनीत जी ने बताया इस पर आप रिसर्च करें। और जो हमारा जो स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स कम्युनिकेशन एंड वाटरवेज होने जा रहा है वहां प्रेजेंट करें। हमें खुशी होगी कि आपके जो विचार होंगे उसको लेकर के हम लोग गति शक्ति के माध्यम से जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे और इसी विकास की गति को बढ़ाते रहेंगे। और हमारी जो कोशिश है कि त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बने, इसमें आप सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य सचिव त्रिपुरा सरकार श्री जे के सिन्हा महोदय जी का बहुत बहुत आभार। उनके वक्तव्य के माध्यम से उन्होंने जो एक संक्षिप्त अपना वक्तव्य रखा स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स कम्युनिकेशन एंड वाटरवेज के ऊपर, आपका बहुत बहुत आभार सर। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर संजीव रंजन, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू एड्रेस दिस ऑगस्ट गैदरिंग। माननीय यूनियन मिनिस्टर श्री सर्वानंद सोनोवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा महोदय, मंच पे उपस्थित त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी श्री जेके सिन्हा जी, मंच पे उपस्थित अपूर्व राय डायरेक्टर सीपार्ड, श्री यूके चकमा सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, माननीय सज्जन मंडली, विभिन्न कॉलेज यूनिवर्सिटी से आए प्रोफेसरगण, विद्यार्थीगण एंड माय डियर ओल्ड कलीग्स हुम आई हैव वर्कड विद बिफोर, सर्वप्रथम आज के शुभ अवसरे आमी अपना सभी के आमार शुभेच्छा जनाई, अभिनंदन एवं नमस्कार। It is both a matter of honor, privilege, and I think I am grateful for being invited to be here today. I have been in the state for quite some time, and one thing we all know that before 1947, the entire Northeast was integrated with the rest of the world, and the per capita income of this part of the world was more than the rest of the country, and that was because the communication arrangements that were there. Tripura was integrally linked to the rest of the world through the waterways. The railway line ran all the way from Dibrugarh to
Comilla, Akhaura, and all the way to Chittagong. You have road network all along the border, and therefore communication was not a problem at all. And that led to the efficiency of the economic systems. Come 1947 and subsequently 1965, most of these communication arrangements that were there were lost. It has taken years of hard work to start the to get the road done, the NH44, which runs from Dharamnagar all the way down to Sabroom, took quite some years to be made. Fortunately, we have gone ahead in the last few years exponentially in terms of growth of road network. The road along the border running from Khowai, Agartala down to Sabroom, the improvement that has taken place, have all happened within the state. Now the challenge is to be able to link our road networks, which have now developed to world standards, with the rest of the world. We have the Feni Bridge, which has come about to be able to take us to Chittagong. But the arrangements for making goods move, they require custom agents, they require freight forwarders. For logistic efficiencies to kick in, you require the required trained manpower. And therefore, a school of logistics of the kind that we have in mind is to ensure that young people like you look at these opportunities. And the infrastructure that has been created is harnessed for giving employment to people, is harnessed to ensure that whatever gaps that are there in terms of moving things cheaply and efficiently. That's what the PM Gati Shakti program is all about. That's what the new logistics policy is all about, that we reduce the cost of logistics. Similarly, the railway line, which used to terminate at Dharamnagar, has come all the way from Dharamnagar to Agartala and then to Sabroom. And the idea of the railway line is that ultimately we should be able to link it to a port, maybe Chittagong, if we are able to take it forward. We already have the Agartala-Akhaura link work which is going on. That getting connected, we should be able to move containers. The handicrafts which Mr. Vineet Kumar mentioned about, I'd like to thank him for the initiative that he took in having the trial runs done for the transit agreement. On the waterway side, we already have the Daudkandi-Sonamura section as part of the protocol which has been declared. At Sonamura, the terminal development, etc., etc., has started. Parallelly, whatever is required in terms of developing the waterways by increasing the draft and all, the money has already been sanctioned. So with waterways happening, the road network having got strengthened, the railway systems having got established, it's a matter of using all that efficiently to be able to link to the rest of the world. And for that, the School of Logistics is to make sure that the required manpower that is required to ensure that whatever interlinkages that are required between the various agencies, it requires customs people, it requires immigration, it requires the transport department, it requires quite a few other agencies to be able to work coherently together for making anything move. And this school, I hope, will be able to deliver on that. On the waterways front, I just want to mention that in addition to the waterways, thanks to the guidance that we got from our minister, we have been able to move forward on the transit agreement with Bangladesh on making access to Chittagong and Mongla ports. The trial runs are completed, and the guidance that we have received from the Honorable Minister, today the entire Northeast, the waterway systems which were otherwise underutilized, the movement on the Indo-Bangladesh protocol route was about 3 million metric tons per year 3 years back. It has gone up to more than 5.3 million metric tons last year, and we expect more than 11 million metric tons happening in the next 2 years. So that's the kind of increase in volume that is happening on movement of goods on the Indo-Bangladesh protocol route, which means the waterways on the Ganges through Haldia, through the protocol route, gets connected to Pandu, that's the Brahmaputra in Assam, and to the Barak river system. So the kind of benefits that will give. Today, the South Asian countries, we in our neighborhood, our trade is amongst ourselves, the official trade is less than 2%. The countries in Europe and other countries, the inter-country trade is 30% plus. Many things which happen between us happens through Singapore, through other ports, which should happen between us.
And I think this arrangement that we are trying to put in place will ensure that goods move between India and our neighborhood seamlessly without going through long distances. The transit arrangements which I mentioned is happening for various reasons which have a historic kind of a legacy behind it. We from under the guidance of Honorable Minister, we are trying to put up a transit port in the middle of Bay of Bengal and hopefully in the Andaman Islands, and hopefully that should become the transit port where the countries in the entire Bay of Bengal region should be able to get things moving from our shores to the rest of the world from there, and there all the countries have to work together, and goods from northeast through Chittagong should be able to reach the international destinations in a much more shorter manner. So those are the kind of things which are, thanks to the policy guidance we got from the minister and the policy directions, we are moving ahead. And the school of logistics that we have now tried to put here with the kind support of the government of Tripura, I'd like to thank the Honorable Chief Minister and the Chief Secretary for taking the initiative to be able to provide the manpower which is required, the trained manpower that is required to make these things effective to deliver and to build up, bring all the stakeholders together. This will happen, and these are great opportunities for the youngsters who are present here. I wish you all the very best, and I would like to thank you once again. Ami apna sabhi ke fenu dhanyawad janai. I'm grateful for being invited here, and I wish you all the very best. Thank you very much. नमस्कार, एखाने उपस्थित सबाई के आमी जानाए नमस्कार। जटाना कुलुंका त्रिपुरा प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी, भारत सरकार की पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के सचिव डॉक्टर संजीव रंजन जी, त्रिपुरा सरकार की मुख्य सचिव श्री जे के सिन्हा जी, केवीआईसी की सीईओ विनीत कुमार जी, त्रिपुरा सरकार की सचिव अपूर्व रॉय जी,
त्रिपुरा सरकार की सचिव यूके सांगमा जी और आज इस सभा में उपस्थित परम आदरणीय त्रिपुरा की गण्यमान्य नागरिकगण और विद्यार्थीगण, पत्रकार बंधु, आप सबको मैं आज इस सभा में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने सभा की जो गरिमा बढ़ाने में विशेष भूमिका ली है। जैसे आप सबको मालूम है, हमारे देश की आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की दायित्वभार लेने के साथ साथ उन्होंने देश को दुनिया के विकसित देश के हिसाब से खड़ा करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी और देश के हर प्रांतों को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्होंने नई नई योजना, नई नई कार्यक्रम, नई नई नीति सही लेने की वजह से पिछले 8 साल के अंदर देश ने अपना सभी दुनिया में बनाने में सफलता प्राप्त की है। और एक देश को कैसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा किया जाए, इस सपने को साकार करने के लिए हर प्रांतों को उन्होंने हिम्मत दी, ताकत दी, विशेष सहयोग किए। और आप सबको मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इन बातों को विशेष रूप से अध्ययन करते थे कि देश की जिस इलाका में काफी जनता को पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में और अलग अलग सरकार के कार्यकाल में जैसे उनको बड़े अन्याय की गई है, तो इसलिए इन इलाका को आगे बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाया। तो उनमें से नॉर्थ ईस्ट ऐसा एक इलाका, जिस इलाका को, जिस प्रांत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने विशेष कदम उठाए। प्रधानमंत्री बनने का बाद तुरंत उन्होंने सारे केंद्रीय मंत्री को नॉर्थ ईस्ट हर 15 दिन के अंदर विजिट करने के लिए निर्देश दिए और साथ साथ में अलग अलग मंत्रालय की सचिव, वरिष्ठ अधिकारी को भी हर प्रदेश का दौरा करने के लिए निर्देश दिए है। और इसके बाद हर मंत्रालय ने अलग अलग कदम उठाते हुए और सही समय पर उनको लागू करते हुए आज नॉर्थ ईस्ट का सभी भी बदलने में मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने सफलता प्राप्त की है। इसलिए आज त्रिपुरा सरकार डॉक्टर मानिक शाह की नेतृत्व में अगले दिनों में देश के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ राज्य सरकार के हिसाब से अपना पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुई है और इस प्रतिबद्धता को हम कैसे साकार करें, हम कैसे सफल करें, इस विषय पर अलग अलग कार्यक्रम ली गए हैं। और भारत सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नई नई प्रोग्राम ली गए हैं, जैसे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और साथ साथ में आज स्कूल्स ऑफ लॉजिस्टिक, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन, इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं।
कि ये जो 21 शादी ये प्रतियोगिता से भरी हुई शादी है, इनमें हमको अलग अलग विश्व देशों का साथ प्रतियोगिता में भाग लेना होगा और अपना जो शक्ति दिखाना होगा, काबिलियत को दिखाना होगा। तो इसी चीजों को हासिल करने के लिए आज अलग अलग प्रदेश का साथ त्रिपुरा भी आगे आने में उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई है और भारत सरकार की तरफ से मोदी जी की आशीर्वाद से उनकी दिए हुए निर्देश के मुताबिक हमारी पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय की तरफ से भी ये जो इंस्टीट्यूशन यहां खड़ा की गए है, मुझे लगता है कि नई पीढ़ियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। आप लोगों ने देखा है कि पिछली 2018 से आज तक त्रिपुरा में जो बदलाव संभव हुआ है, अलग अलग सेक्टर में कनेक्टिविटी हो, कम्युनिकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, हर सेक्टर में एजुकेशन हो, टूरिज्म हो, कल्चर हो, रिसर्च हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, हर सेक्टर में आज त्रिपुरा ने तरक्की करने लगे हुए हैं। तो इसलिए मुझे मानना है ये जो इंस्टीट्यूशन यहां बन रहा है, इस इंस्टीट्यूशन के जरिए हमारे विद्यार्थियों को अपनी शक्ति सही समय पर, सही स्थानों पर दिखाने के लिए आपको भी ये एक बहुत बड़ा मौका है। इस इंस्टीट्यूशन के जरिए आप लोगों को सीखना होगा कैसे हम अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में शामिल हुए और इस सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम आगे बढ़ाने के लिए हमें जो भी सपोर्टिंग हमारे सिस्टम जरूरी है, इस सिस्टम में हम कैसे जोड़े और इसको हम अपनी एफिशिएंसी दिखाते हुए सही सेवा बढ़ाने के लिए हम अपने आप को कैसे सजाए, कैसे तैयारी करें। तो मुझे लगता है कि अलग अलग ट्रेड में जो यहां ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को स्मार्टनेस डेवलप होंगे, अनुभव आप लोगों को बढ़ेगा और अपना आत्मविश्वास को भी आप दोगुना करने में सफलता प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि इसी शक्ति के द्वारा हमारी त्रिपुरा में जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, हॉर्टिकल्चर हो, फिजिकल्चर हो, अलग अलग सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर में हो, हैंडीक्राफ्ट में हो, जो भी यहां परंपरागत पद्धति से अलग अलग सामग्री बनते हैं, उत्पादित होते हैं, इन चीजों को देश और दुनिया के बाजार में आप कैसे बिके, इसके लिए आपको सारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपोर्ट पॉलिसीज की सिलसिले में हम अपने आप को कैसे शामिल करें और इसी सारे चीजों को आगे बढ़ाने के लिए सिमलेस मूवमेंट के लिए हम कैसे भारत सरकार का नीति का साथ अपने आप को जोड़कर इस विषय पर हम शामिल हो जाए। तो मुझे लगता है कि इन चीजों के लिए एक बड़े मौका आप सबको मिलने वाला है इस इंस्टीट्यूशन से और आप निश्चित रूप से हमारी इस सभा में आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी की विद्यार्थी है। तो मुझे लगता है कि यहां जो हमारी भारत सरकार की सचिव संजीव जी ने और हमारी त्रिपुरा सरकार की चीफ सेक्रेटरी ने जो भी बताया, इन चीजों के द्वारा आप निश्चित रूप से अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए आप निर्णय कीजिए। मैं इस सभा में ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा, आप नॉर्थ ईस्ट जाग उठा है, नॉर्थ ईस्ट ने अपना शक्ति दिखाने में सफलता प्राप्त की है और इस सारी प्रक्रिया में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद, जो मार्गदर्शन, जो दिशा, जो सहयोग, ये हमारे लिए सबसे बड़े वरदान है और इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का हर प्रदेश ने अपने आप आज जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में निश्चित रूप से मोदी जी ने जैसे नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी के हिसाब से उन्होंने देशवासियों को सारे उनके भीषण डेवलप करने के लिए जो आह्वान की थी,
उसी हिसाब से मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट अगले दिनों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा भूमिका लेने जा रहा है। एनी का मतलब न्यू इंजन फॉर इंडियाज ग्रोथ, दैट्स द विजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज सेट। आई बिलीव व्हाट एवर इज हैपनिंग इट इज हैपनिंग थ्रू एक्टिव पॉलिसी। इसके पहले नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने के लिए उसी जमाने में पिछली सरकार ने लुकिस पॉलिसी बनाई थी, लेकिन लुकिस पॉलिसी बस देखते ही रह गया, ये जमीन में कभी भी हकीकत से उसको जुड़े नहीं। इसके लिए कोई योजना भी थे नहीं, नीति भी थे नहीं, लेकिन आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने के लिए लुकिस से एक्टिस किया और एक्टिस को एक्शन में बदलने के लिए अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा आज नॉर्थ ईस्ट को शक्ति दिया। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हर नॉर्थ टर्नर फील स्ट्रांग nowadays in the country, they feel so much of confident that tomorrow in their life any kind of challenges they could overcome with ability, efficiency, courage and determination. That's the power it's being generated by the North Starner to build up the nation, to make India self-reliant nation in the world. So under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, so with these few words I again extend my heartfelt greetings to all of you, and I wish a very, very successful New Year's 2023. And I believe that under the dynamic leadership of our Chief Minister, Dr. Manik Shaha, this state is definitely going to be one of the best states in the country. With these few words, I conclude. Jai Hind! हम भाई माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल जी का बहुत बहुत आभार उनके बहुमूल्य वक्तव्य को उपस्थित हम सभी के साथ साझा करने के लिए, साथ ही उनके वक्तव्य के माध्यम से उपस्थित हम सभी को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत आभार। Now, I request our Chief Minister of Tripura, Professor Dr. Manik Shaha, to share his valuable words with us. जतना खलंखा हम भाई सबाई के नमस्कार। आज के इखने जो इनोग्रेशन ऑफ स्कूल्स ऑफ लॉजिस्टिक कम्युनिकेशंस एंड वाटरवेज, थोड़ी देर पहले जो इनोग्रेशन यहाँ पर हो गया है उसको सामने रखते हुए मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर्स और एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम श्री सर्वानंद सोनोवाल जी, उपस्थित डॉक्टर संजीव रंजन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री जे के सिन्हा चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, विनीत कुमार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, श्री अपूर्व राय सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, श्री यू के चकमा Secretary, Government of Tripura, and Chamber of Commerce and Industries of Tripura, and professor and teachers of different universities, business management students, faculty members of SHIPARD, and media bandhugan. बहुत ही अच्छा लगा आज यहाँ आने के बाद। बहुत दिन सुन रहे थे कि यहाँ पर जो लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन एंड वाटरवेज का यहाँ पर एक सेंटर बनने वाला है, और ये आज हकीकत में ये हुआ है और इनिशियली ये SHIPARD में होगा। और मेरे पास जो जानकारी अभी है उसमें ये है कि
जो इसका फायदा ले सकता है बांग्लादेश से, खास करके बांग्लादेश का जो बिजनेसमैन है या कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो व्यक्ति है और वहाँ का जो आधिकारिक है, उनको इस सिपार्ड में लाना और हमारे यहाँ भी जो बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स हैं इनका फ्यूचर के लिए, बाकी कॉमर्स के, कॉमर्स एंड बिजनेस और यहाँ जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, इन लोगों को लेके बातचीत करना चाहिए। देखिए, ये कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल एस्पेक्ट। कम्युनिकेशन बिना कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अभी अभी सरमल साहब ने बताया कि हमारे अटल जी ने पहले नॉर्थ ईस्ट को कहा है यहाँ पर कि लुक ईस्ट पॉलिसी, और उसी को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और मैं हमेशा बोलता हूँ एक्शन इज बेटर देन वर्ड्स, और वो ऐसा एक व्यक्ति है जो बोलता भी है और करता भी है, और उसका प्रमाण हमेशा हम लोगों को मिलता है कोविड से शुरू करके हर चीज में, कोरोना को प्रिवेंट करने में, जैसे हमारा साइंटिस्ट को जिस तरह उन्होंने कहा, और विद इन 9 मंथ में दो दो वैक्सीन यहां पर इन्वेंशन हुआ है, और हम लोग यहां पर जो यहां पर बैठे हैं सब जिंदा है उन्हीं के कारण, मुफ्त में हम लोगों को वो वैक्सीनेशन दिया है। और त्रिपुरा में अबव 45 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पूरा देश में हम लोग टॉपर, हम फर्स्ट थे, आप लोग सब जानते हैं। तो इस तरह यहां पर उन्होंने कहा जब तक नॉर्थ ईस्ट में, जिनको वहां 8 राज्यों को उन्होंने अष्टलक्ष्मी नाम दिए हैं, और जब तक ये अष्टलक्ष्मी डेवलप नहीं होगा उन्होंने कहा, तब तक इंडिया भी डेवलप नहीं होगा। पहले कभी इस तरह किसी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से इस तरह हम लोग नहीं सुने। अभी यहां पर नेशनल हाईवे, 6 नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। ये हमारा जो यूनियन मिनिस्टर उनके टाइम से ही ये लागू हुआ था ये काम, सर्वानंद सोनोवाल जी। तो ये अभी काम चल रहा है, इट इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड, और बाकी 7 और नेशनल हाईवे उसका भी अभी उसका जो मंजूरी भी मिल गया है अभी अभी। और सिर्फ ये भी नहीं है, 4 हम लोगों को जो रूपवेज ये भी अभी सेंक्शन माननीय गडकरी जी दे दिए हैं। और आप शायद जानते होंगे कि जब मैं गुवाहाटी गए थे कुछ दिन पहले, और मंच पर मैंने उनको कहा जो NH08 जो है ये हमारा लाइफ लाइन है, और ये धर्मनगर से जो अगरतला आता है उसमें 4 लाइन आप, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तुरंत उन्होंने, मैंने एक पर्ची में लिख के दिया था, तुरंत उन्होंने वो मांग मंजूरी दिए हैं और 10,222 करोड़ का पूरा सैंक्शन उन्होंने दे दिया। तो इस तरह प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन में जो भी हमारा सेंट्रल मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं। प्रधानमंत्री खुद गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट में 50 बार आए हुए, आप सब जानते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस तरह हमेशा नॉर्थ ईस्ट में, उनका इतना लगाव है, जिस तरह वो हमेशा आते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पूछते रहते हैं। हमेशा चीफ मिनिस्टर का जो हम लोगों का जो NEC का मीटिंग होता रहता है वहां पर हमारा जो गृहमंत्री जी वो चेयरमैन भी है, वो खुद भी आते हैं, तो हर तरफ हर चीज में वो बात भी करते हैं किस तरह उसका उन्नयन करें। तो नेशनल हाईवे यहाँ पर हम लोग त्रिपुरा में, तो हमेशा मैं बोलता हूँ ये रास्ता तो ठीक है, कंक्रीट का रास्ता होता है, पीच होता है, ये है, लेकिन रास्ता हम लोग को रास्ता दिखाता है आगे हम लोग क्या, हम लोगों का डेस्टिनेशन क्या है। ये भी प्रधानमंत्री के कारण ये हम लोग अभी समझ आ रहा है कि हम लोग पहले नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक दूसरे के साथ, एक इंटर स्टेट का प्रॉब्लम था, बॉर्डर का समस्या था, टेररिस्ट का समस्या था, अब कहाँ है, कोई टेररिज्म है नहीं। अभी जिस तरह शांति संप्रीति और ये इनके कारण जिस तरह अभी पूरा
नॉर्थ ईस्ट में है, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अभी कोई भी सम्मेलन कुछ दिन पहले मैं मेघालय में गया था, वहाँ नॉर्थ ईस्टर्न ईस्ट का सभी चीफ मिनिस्टर थे, एक दूसरे के साथ इतना बढ़िया से बात कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जो वी आर ऑल इंक्लूडेड, ये ऐसे बोल रहे हैं वी आर ऑल इंक्लूडेड। देश में लगता है पहले नागालैंड सोचता था हम अलग ही है, मिजोरम सोचते थे अलग है, लेकिन अभी ऐसा एटमोसफेयर, इस तरह इतना डेवलपमेंट 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 किया है पूरा नॉर्थ ईस्ट में, हम कभी सोच नहीं सकते हैं अगरतला से कभी मणिपुर को भी ये ब्रॉडगेज रेल लाइन होगा, कभी सोचा भी नहीं था। तो त्रिपुरा में भी नहीं सोचे, छोटा सा एक ये धर्मनगर में मीटर गेज का वो रेल लाइन था, और यहाँ पर पुराना जो रेजिम था यहाँ पर खाली आंदोलन के नाम से जिंदाबाद जिंदाबाद करते करते वो पूरा एटमोसफेयर ही खराब किए थे लोग। और लेकिन विदाउट आंदोलन प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ब्रॉड गेज दे दिया, अगरतला होके वो साबरूम तक पहुंच गया। तो रेल लाइन हमारे पास है, रोड भी हो गया, उसके बाद एयरवेज हो गया, प्रधानमंत्री जी हीरा मॉडल हम लोग को देना था वो दे दिया, अभी साथ में वाटरवेज, ये भी अभी हमारा यूनियन मिनिस्टर बार बार मुझे दो चार बार मुझे कहा अरे मैं देना चाहता हूँ आप लोग काम कीजिए। और मैं अभी अधिकारी को, मैं चीफ सेक्रेटरी को मैंने बहुत बार बोला जो ऐसा ऐसा है वहां पर ग्रेजिंग करना है तुरंत कराइए। तो इस तरह मतलब लगन जो है हर प्रधानमंत्री जी शुरू करके हमारा जितना सेंट्रल मिनिस्टर और हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाए, और इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे इतना अच्छा लगता है जब सुनता हूँ, और ये इलाक है ये डिवीजन देश विभाग के कारण सबसे ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि मैं त्रिपुरा वासी हूँ, बाकी जगह में होता होगा लेकिन त्रिपुरा सबसे ज्यादा, अगर किसी जगह में समस्या ज्यादा हो त्रिपुरा में, यहाँ पर सब चीज था, वाटरवेज था, सब चीज था। और वाटरवेज से अगर जिस तरह यहाँ पर हमारा संजीव जी बताया, यहाँ पर कितना बढ़िया से बताया कि वाटर वेज अगर आपको मिल गया तो हर चीज का दाम भी कम होगा, कटौती होगा, इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि दाम अगर कम है समय भी कम है, पूरा देश में तो हम जाएंगे, विदेश में भी हम लोग जा सकते हैं। ये गुमती जो शुरू करके मेघना को शुरू करके त्रिपुरा में जितना नदियां है, बहुत सारे नदियां है, सब एकदम कभी किसी जमाने में सबके साथ ये इंटरकनेक्टेड था, लेकिन ये डिवीजन के कारण देश विभाग के कारण सबसे ज्यादा त्रिपुरा इफेक्टेड हुआ। तो यहां से अभी प्रधानमंत्री जी देखे हैं, अब जानते हैं मैत्री सेतु बना हुआ है, अभी मैं दो चार बार गया हुआ वहां पर ये फेनी नदी के ऊपर, अभी चिटागांग से आराम से साउथ ईस्ट एशिया का प्रवेश द्वार बनना जा रहा है। अभी मैं हमेशा इस चीज को लेकर दिल्ली में जाके होम मिनिस्ट्री से बात करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से बात किया हूँ, और बार बार उन्होंने बांग्लादेश काउंटर पार्ट जो है इनके साथ भी बात किए हैं। अभी इनके उस साइड में हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, आईसीपी बन गया, बिजनेस सेंटर बन रहे, हर चीज में हम लोग काफी आगे ये काम कर रहे हैं। तो उनके यहाँ पर भी काम चल रहा है अभी, तो ये अगर बन गया तो आप सोचिए, और वाटरवेज जिस तरह यहाँ पर बताया गया है ये अगर स्टार्ट हो ये सीमांतपुर जो सुनामुड़ा से, तो हम तो यहाँ से इलाहाबाद जा सकते हैं, बनारस जा सकते हैं, वेस्ट बंगाल जा सकते हैं, हल्दिया जा सकते, मैंने किस तरह आप सोच सकते हो। और मेरे ख्याल से ये जो हम लोग के लिए ड्रीम था, कभी ड्रीम में हम लोग सोचते थे, अब लग रहा है हकीकत में होगा। तो त्रिपुरा जिस तरह प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर 11 एक्सप्रेस ट्रेन, पूरा राजधानी भी चलता है यहाँ से, कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे। तो राजधानी चल रहा है, 11 एक्सप्रेस ट्रेन चल रहा है, डेमो चल रहा है चार, सोच नहीं सकते हैं कभी। और अगरतला एयरपोर्ट तो यहाँ पर सर्वानंद दा है यहाँ पर, लेकिन मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू आसाम मैं कहता हूँ अगरतला जो अभी नाम हम दिए हैं हमारा ट्राइबल जो महाराजा इनके नाम से हम लोग दे हैं, वीर विक्रम किशोर मानिक को बहादुर, पहले खाली ये सब क्रोकोडाइल टीयर से बोलते थे पहले का रेजिम, और हमने हमारा गवर्नमेंट जो प्रतिष्ठित हुआ है तुरंत प्रधानमंत्री जी खुद आके उनको इनोग्रेशन किया उनके नाम से। और उस हिसाब से आप देखिए ये जो हमारा एयरपोर्ट है ये सपोज टू बी द बेस्ट वन इन नॉर्थ ईस्ट, इवन बहुत सारे प्रदेश से भी बहुत अच्छा है। और इस तरह
हमारा जो अगरतला रेलवे स्टेशन है ये भी अब एस्केलेटर बन गया, हम कभी सोच नहीं सकते थे। तो ये भी जो मुझे कहा गया है ये पूरा इंडिया में बहुत ही सुंदर खूबसूरत एक रेलवे स्टेशन बनने वाला है। तो त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है, आपको नहीं लगता है क्या? तो त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है, तो हर चीज में आगे बढ़ने वाला जो सामने इंजन और इंजन का ड्राइवर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम लोग तो उनके साथ साथ चल रहे हैं, हम लोग भी डबल इंजन कहते हैं। तो इस हिसाब से पूरा नॉर्थ ईस्ट का चेहरा ही बदल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वाटरवेज अगर हो गया, तीन चीज तो हो गया, तो सस्ता हो जाएगा, कम्युनिकेशन में टाइम कम लगेगा और सभी कोई भी कम्युनिकेशन हो उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर आपके सामने रखूं, और पूरा 29 स्टेट में अभी त्रिपुरा का पोजीशन लॉ एंड ऑर्डर में जो हमारा रिपोर्ट है इसमें देखा गया है 5th पोजीशन है, लोस्ट नीचे से नीचे ऊपर जाएंगे तो 5th पोजीशन में है। तो लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो NBCC का रिपोर्ट जो है उसमें यह कहलाता है। तो इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं सब। और आप लोग जानते हैं म्यांमार, आसाम और मिजोरम होके हम लोग के यहाँ पर ड्रग्स भी आता है, और ये ड्रग्स ये कॉरिडोर बना के बांग्लादेश जाता है। बहुत दिन से ये प्रैक्टिस चल रहा था। हमारा यहाँ गांजा ये होता था बहुत भारी मात्रा में और वो बाहर हो जाता था। तो अभी सीजर के मामले में आसाम के बाद सेकेंड हाइस्ट सीजर है और डिस्ट्रक्शन में त्रिपुरा है। तो इस हिसाब से हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति अपनाया। अभी अभी मैं जब आ रहा था या सेक्रेटरीट से वहां पर मैं फाइन साइन कर रहा था, लॉजिस्टिक पॉलिसी हम लोग आज कैबिनेट में पास किया हमने। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी से ये जो आज का जो ये लॉजिस्टिक एंड कम्युनिकेशन एंड वाटर वेस्ट का होगा इससे काफी अच्छा होगा। हम लोग हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो बताया, अभी कोई भी आप लोग तो दीजिएगा सेंटर से, लेकिन हमारा तरफ से भी कोई भी लॉजिस्टिक सपोर्ट हो जरूर हमारे तरफ से करेंगे। और ये हमारे लिए करेंगे, दूसरे के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो ये करना है और आगे भी त्रिपुरा जो आगे बढ़ रहा है, जो हमारा माननीय यूनियन मिनिस्टर बताया उस तरह उस दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अष्टलक्ष्मी जो है एक दूसरे के साथ कंधा कंधा मिला के हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद सबको, नमस्कार, जय हिंद। Kulunkha, Namaskar, and good afternoon to all. The entire thrust of School of Logistics, Communication and Waterways lies on the potential growth and development of the state using logistics and connectivity avenues. Inland water transport is one of the major areas of focus in this regard. In order to operationalize the School of Logistics, Communication and Waterways, the Ministry of Ports and Shipping and Waterways, Government of India has approved financial support of ₹5.25 crore for initial 3 years. Therefore, in the initial years, the activities of this activity improvement between Tripura and Bangladesh through the engagement of the stakeholders on both sides of the border. However, the School of Logistics has enormous potential to participate in the process of the holistic development of not only the state but the entire northeastern region through trained manpower, studies and research to be conducted by it. CIPART is quite privileged to host this esteemed institution. I firmly believe this institution should live up to the expectation of all the stakeholders. I deem it a great honor to propose the vote of thanks at this memorable occasion. First and foremost, I thank our Honorable Union Minister, Sri Sarbananda Sonowal Sir, inaugurator of this program, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. I also express my heartfelt thanks to our Honorable Chief Minister, Professor Dr. Manik Shah Sir, the chief guest of this program, for his kind presence. I convey my sincere thanks to Dr. Sanjeev Ranjan Sir, Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways,
for his kind interest, continued support and valued guidance towards setting up this school and onwards. My heartfelt thanks to respected Sri Vineet Kumar, CU KVIC, for his kind presence on this occasion. And I owe special gratitude to Honorable Chief Secretary Sir, Government of Tripura, for his valuable contribution, continued guidance and encouragement in all our efforts. I thank all the distinguished guests, college and university teachers, officials and students of MBA, invitees present here for accepting our invitation and gracing this historical event. And last but not the least, I also thank the members of the media for evincing interest in covering the event and the, all the good hearts, officials and non-officials who work behind the screen. Hambai, thank you all. Jai Hind. Shipat Sri Apurva Roy, sir, the inauguration of School of Logistics, Communications and Waterways ends here. Once again, on behalf of Ministry of Port, Shipping and Waterways, and Shipat and Transport Department, Government of Tripura, I thank each one of you all for